दर्शक बंधु कथारे अच्छी भगवान को भक्त जेउठी डाकी थाए भगवान सेठी पहुंची जाती तबे आमे देखैबु एक भिन्न परंपरा को नहीं गजानन को आविर्भाव होई तबे श्रीफल जहाँ को नड़िया कह जाए नड़िया भगवान आविर्भाव हो प्रभु गणपति देवंकर आविर्भाव को नहीं आप देखिपुर पारादीप जन युवक अच्छा आशीष बारिक जे कि सी नड़िया एक गणेश ठाकुर एक मूर्ति पाई तेरे सुसज्जित कर आज दिन में सी पूजा अर्चना कर गोटे खुशी व्यक्त करूँच श्रद्धालु मैंने आसिया मारूँच आशीर्वाद भिक्षा करेप्रेक्षी आम सीधा साल प्रतिक्रिया ना आशीषंर आशीष स्वागत करेंगे आज पवित्र दिन की आप जो ठाकुर डाकिले गणपति देव को डाकिले बुद्धिदाता डाकिले ज्ञानदाता डाकिले से भगवान आपण पहुँचीगले के खुशी व्यक्त करो नड़िया श्रीफल आपठू पाइले नमस्कार कह ग प्रभुंर विग्रह स्थापन करने आम कि क्षण दरकार पड़ता आम आई केन्द्रापड़ा अंचल को जाइलु सांगसाथी आम सभापति प्रताप चंद्र नायक सांगे थी विधान चंद्र परिडा उपसभापति आम सी भी सांगे थे आम जा क्षण खोजापी वर्षा पवन बन्या क्षण कौटि ना कह पचीगला कह भासीगला आम शेष निराश होकर गोटे गच मूल ठिया पड़ू ये गच मूल ठिया भितर सी हटात नड़िया गली पड़ा आम देख लु नड़िया गली पड़ा आम जो उठे आनलु आम मन भितर नड़िया को देखला भितर प्रभु देखा आमको लगे कि प्रभु श्री गणेश हटात नड़िया रूप से आम पाखे पहुँच जाइंट आमर आई मूर्ति या आवश्यकता ना तापर हटात जा पहुँचला पारादीप फेरी आसलु क्षण मिललानी हटात हेठू पुणी गोटे जन व्यक्ति हृदयवान व्यक्ति जड़े जहाँ फोन करूँ से मना करते निजे आणिकी छण आनी गले आम ठाकुर उपस्थापना है आकु ये नड़िया टी जो मन मन चिंता करूँ कि प्रभु ये तो श्री गणेश भाई देखा तो श्री गणेश भाई देखा से मनर चिंता को मनर भावनाटा को आमर जे चित्रकार जे मूर्ति आम गढ़ती आज को 20 वर्ष है सुदूर कलिकतारु आसिक मूर्ति गढ़ती ये सी ताकूत रूप देदेले आम से रूप देखी सब भावविहूल हो गलु धन्य धन्य तुम प्रभु मुझे कि मैं पाखे सब कृतज्ञ मो पाखे शब्द ना कहपाई जहा कि सपनदा कौन चिंता करके नड़ियाटे रंग दे नड़ियाटी एत देखी भाविलु कि ये गोटे नड़िया नुह ये गोटे श्रीफल नुह ये प्रभु श्री गणेश दर्शक बंधु आपण देखिथिबे अनेक मंडपर वर्तमान विभिन्न फल पुष्पर वर्तमान गणपति देवंकर पूजार्चना कराउची मूर्ति मध्य प्रस्तुत कराई तबे कहिबा मृण्मय मूर्ति कथा काठ मूर्ति कथा पथर मूर्ति कथा अनेक मूर्ति मध्य उपस्थापन होइछि अनेक जगार अनेक मंडपर मध्य प्रभु गणपति देवंकर पूजार्चना कराउची तबे आम सहित से चित्रकर जोड़ी होउछन्ती जो चित्रकर कि एई श्रीफल नड़िया रे प्रभु गणपति देवंकर रहिछि तांकर मूर्ति तयारी करिछन्ती एवं चित्र गोटे सुसज्जित से गणपति बाबा मूर्ति से प्रस्तुत करतिक्रिया ना आज्ञा आपत जो देखिले नड़ियाटी नड़िया जो शुंड रही नड़िया पर आप जो चित्र आंकिले के खुशी लगे आ मन भितर कौन आपणकर भक्ति जग्रत जहाँपी आप गणपति देव मूर्ति आंकी पारे भगवान भाविक मुझे लड़ियाटा के कारीगर हिसाब से रंग कर भल लगे केते खुशी लागिल आउ ठाकुर को आपन कोन आराधना कले खुशी लागिल बहुत खुशी आउ आराधना कोन कले ठाकुर को पाखरे मु आराधना करली जे एमतिया लुडिया जमनी आउ होय बस तबे आपन दर्शक बंधु अनेक फल पुष्प रे देखी चंती सुसज्जित मंडप रे वर्तमान गणपति देव विघ्ननाशन कर पूजा अर्चना करा जाउची तबे ए चित्र निश्चित भाव गोटे भक्ति जाग्रत करुची गोटे प्रेम जाग्रत करुची काईकिना जेतळ आज रहिची पवित्र दिन से पवित्र दिन अवसर में आशीष बारिक जी अछंती पारादीप जन उदयमान युवक तांको पाखरे देखुचंती गणपति देवंकर जो मूर्ति रहिची से मूर्ति पूरा नड़िया रे तयारी होईची ए सुंड मध्य से नड़िया रे तयारी होईची जो नड़िया तयारी करा जाइछि जो श्रीफल रे प्रभु
ଗଣପତି ଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍କାମନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କୁପତି କାମରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ କୁପତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଶିଷ ବାବୁ, ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ପୂଜା ଇଏ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ରଖିବେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ? ନାଇଁ, ସେ ସତ୍ସାହସ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ସାରା ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯିବେ, ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେଉଁଠି ନେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବୁ କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଶିଷ ବାରିକ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ, ଯିଏକି ସେ ଶ୍ରୀଫଳଟି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଗଜାନନଙ୍କର ପୁରା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଜାନନ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସେ, ପ୍ରେମ ଆସେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, ଭକ୍ତି ଆସେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧୁବାଦର କଥା କହିବା, କାହିଁକି ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।